आई हैव यू कम्प्लीटेड प्लस टू, अब आपने प्लस टू कर ली है लेकिन आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी कोशिश है अपनी हर वीडियो के माध्यम से, स्पेशली इस चैनल के माध्यम से, आपके जो साइकोलॉजी करियर के डाउट्स हैं, गाइडेंस है, या जो सब्जेक्ट्स डाउट्स हैं उसे मैं क्लियर कर पाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, गिव अ थंब अप, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि प्लस टू के बाद साइकोलॉजी में करियर कैसे बनाए। सबसे पहले देखें कि मैंने अपने 11th और 12th में क्या ऑप्शन चूज किया था। अगर आपने मेडिकल चूज किया है तो आप अब बीएससी साइकोलॉजी करें, फिर एमएससी साइकोलॉजी करें और उसके बाद आप क्लिनिकल करना चाहते हैं तो एमफिल करेंगे। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो अब आप आराम से बीकॉम करें। अगर आप उसमें आगे करियर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बीए साइकोलॉजी ऑप्ट कर लें, क्योंकि कॉमर्स वाले आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो इवन इफ यू आर नॉन मेडिकल और इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, गो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू बीए साइकोलॉजी। अब आप बीए साइकोलॉजी के बाद एमए साइकोलॉजी और एमए काउंसलिंग करेंगे और उसके बाद यू आर ऑल सेट फ्री। आप एमफिल करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उसे कर सकते हैं। आप अपनी मास्टर्स के बाद एक साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, उसके बाद मल्टीपल करियर फील्ड शुरू हो जाती हैं, क्लिनिकल, डी एडिक्शन, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, वो आपने अपने मास्टर्स के बाद सॉर्ट करनी होती है, जिसके लिए आपको 1 ईयर डिप्लोमा या कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस करने होते हैं। वो जो लोग मुझसे पूछते हैं, मैम मैंने नर्सिंग कर ली है, मैंने कॉमर्स हूं, मैं एमबीए कर रखी है, क्या मैं साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन उनको अपने बैचलर्स के बाद फिर से मास्टर्स करनी होगी। आपकी बैचलर्स किसी भी फील्ड में है उसमें फर्क नहीं पड़ता है, आपने इसके बाद अपनी मास्टर्स साइकोलॉजी में फिर से करनी होगी। अगर आप मेडिकल हैं तो एमएमएससी करेंगे, अदरवाइज आप एमए साइकोलॉजी करेंगे और दोनों की ही बराबर वेटेज है। उसके बाद आप अपना काउंसलिंग में करियर लेके जा सकते हैं। तो आई होप मैं आपको गाइड कर पाई हूँ। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट आई कैन हेल्प यू एंड कम अप विद मोर एंड मोर साइकोलॉजी वीडियो। साथ साथ के लिए अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मैं और जब साइकोलॉजी की वीडियोस लेकर आऊँ तो आप मिस ना करें।